मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। हमें तुम्हारी जरूरत है हॉकाय। अवेंजर्स को अलग करने की हमारी कुछ वजह थी, लेकिन इस बार बात कुछ गंभीर है। दुनिया हमारे बिना भी जी रही थी, लेकिन अब कुछ बदल गया है। तुम सबको पता है कि मैं इतना घमंडी हूँ कि अगर उन बुरी ताकतों से अकेले लड़ पाता तो तुम लोगों को कभी याद नहीं करता। कमजोर स्टार, मेरा दावा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो इसके सामने कुछ भी नहीं। फौरन मेंशन आ जाओ, टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। एजेंट विल्सन, मुझे बताया गया था कि तुम सबसे काबिल सिपाही हो, तो तुम अपने ही जाल में स्पाइडरमैन की तरह क्यों उलझे हुए हो? विल्सन, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? सॉरी डायरेक्टर फ्यूरी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। बड़ा काम है? शील्ड से बढ़कर आखिर क्या हो सकता है? जार्विस, मैं आ गया, और मैं हैरान हूँ कि टोनी ने मुझे ढूंढने की तकलीफ उठाई। मिस्टर स्टार का सुझाव है कि आपको वॉर मशीन का वच पहनना चाहिए। वॉर मशीन? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रोजेक्ट रेडविंग को पहली बार आजमाने का ये सही मौका है। जैसी आपकी मर्जी सर, आप एक अच्छे एवेंजर बनेंगे। तो तुम्हें भी बुलाया है? हाँ, आजकल एसगार्ड में कुछ खास नहीं हो रहा क्या? गोला फेंक, फल्ली घुमा, एसगार्ड का एक मशहूर खेल और एक त्योहार जिसके बारे में तुम जैसे लोग कभी सोच नहीं सकते। लेकिन पहली बार स्टार्क की आवाज में हमने इतनी गंभीरता सुनी। ऑटो पायलट खराब हो चुका है। अरे अब क्या होगा? जाकर देखो हमें किसने टक्कर मारी है। और के होते हुए घबराने की जरूरत नहीं। बेवकूफ हल्क, हम सबकी जान लोगे क्या? हल्क को तुमने बेवकूफ कहा? कुछ लोग कभी नहीं बदलते। ये है असली जंग, एक अरसे बाद लड़ रहे हैं। समय बहुत लंबा, तुम्हारे बाल जितना। बस बहुत हो चुका, तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो मैनहट्टन तबाह हो जाएगा। अब समझ में आया कि अवेंजर्स की टीम अलग क्यों हो गई। अब हो ये रहा है कि अवेंजर्स इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें मैंने अपनी कमांड में चुना है। तुमने मुझसे पूछो तो तुम पबजी खेलने के लायक भी नहीं हो। ये मजाक का वक्त नहीं है होकाय, कैप्टन अब नहीं रहा। हमने अपने एक साथी को गवा दिया, रेड स्कल और मोर्डोक ने उसे मार दिया। अब वो दोनों साथ हैं तो ये दुनिया ज्यादा बड़े खतरे में है। हमें दोस्त की मौत का बदला भी लेना है। मैं जानता हूँ तुम सबके पास यहाँ से चले जाने की वजह है, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। क्या हम बीती बातें भुला के साथ काम कर सकते हैं? हम एवेंजर्स हैं और दुनिया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुझे तो जानते हो, लगाओ निशाना। हल्क तोड़ेगा, हल्क फोड़ेगा। इस वक्त दूरी बनाए रख रही हूँ, लेकिन जो कॉल आया था वो कोई गलती नहीं थी। एवेंजर्स दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। ब्लैक विडो आउट। मुझे यकीन है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुमसे जीत दूंगा। अगर हमसे बातें कर चुकी हो तो हमें काम पर लग जाना चाहिए। तुम मेरे बहुत काम आए हो मोर्डोक, लेकिन अपनी हद में रहना। इतनी जल्दी जानता था कि स्टार्क का खून खौलेगा। बहुत खूब। टेलीपोर्टेशन से जुड़े टेक्यान पार्टिकल्स को खोजने के लिए मैंने हर मुमकिन सैटेलाइट को हैक किया। सारी जानकारी